हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स। और ये डिफरेंट डिफरेंट बुक से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिए हैं और काफ़ी अप्लाइड प्रॉब्लम्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो आप उन्हें सभी वीडियो को देखते रहें। इसमें जो पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ए सिस्टम इन विच डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डी, जहाँ पर ये एनर्जी को इंक्लूड कर रहा है, देन कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल। तो क्वेश्चन के अंदर जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स दे रखी है, पहली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो बता रखी है वो देख बताइए, दिस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई। पूछा है क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल। तो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके एक्सप्रेशन को ऑलवेज रिमेंबर रखें। तो ये एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल का जो एक्सप्रेशन है वो इम्पोर्टेंट है और काफ़ी यूजफुल भी है। तो एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट जीरो से लेके ई एफ, और एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टेट जो फंक्शन है एनर्जी का, इनटू डी अपॉन जीरो से लेके ई एफ, और एनर्जी इस हमने कैलकुलेट करनी है एवरेज एनर्जी की वैल्यू। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट को एनर्जी से मल्टीप्लाई करें टी के साथ में, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन लिमिट ले लें जीरो से लेकर ई एफ, और यहाँ जीरो से लेकर ई एफ तक इंटीग्रेशन लिमिट लेकर डेंसिटी ऑफ स्टेट जो एनर्जी का फंक्शन है इनटू टी ले लें। यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू ए ई की पावर हाफ। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन को इस यहाँ पर पुट करें तो यहाँ से हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी जीरो से लेकर ई एफ, और ई एफ यहाँ पर फर्मी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनटू एवरेज एनर्जी, और यहाँ पर लिख दें ए ई की पावर हाफ इंटू डी अपॉन जीरो से लेके ई एफ, और ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है ए ई की पावर हाफ और डी। उसके बाद ये कांस्टेंट को कैंसिल आउट कर दें और उसके बाद इसे सॉल्व करें, जो हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी ई की पावर 5/2 अपॉन 5/2। यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एक पावर ऊपर ऐड कर देते हैं अपॉन नीचे भी हम वैल्यू को लेके एन का फंक्शन, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन होता है इंटीग्रेशन का, एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये हमें यूज करना है यहाँ पर, और एन की वैल्यू को रखना है 3/2। तो यहाँ से जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी एक्स की जगह पे ही ले सकते हैं, तो यहाँ से हमें ई की पावर 5/2 अपॉन 5/2 आएगा, ये वैल्यू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ले लें यहाँ जीरो से लेके ई एफ तक अपॉन, यहाँ से सॉल्व करें ये हमारा आएगा ई की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये वैल्यू आएगी हमारी जीरो से लेके ई एफ तक। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दें, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें, ये सॉल्व करके हमें जो मिलेगी वो मिलेगा 3/5 इंटू ई एफ। इस तरीका से हम एवरेज एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं जब डेंसिटी ऑफ स्टेट ई का फंक्शन हो। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन और 3D में होता है वो उसके एक्सप्रेशंस भी याद रखें। 1 डायमेंशंस में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एनर्जी पर निर्भर करता है, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ डेंसिटी ऑफ स्टेट करता है 1 डायमेंशन में ई की पावर -1/2 के ऊपर, ये 1D के लिए है। 2D के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट अपॉन ई, ये भी याद रखें ये इंडिपेंडेंट है अपॉन ई 2D के अंदर। और 3D में जो डेंसिटी ऑफ स्टेट एनर्जी पर निर्भर करता है वो करता है e की पावर हाफ इंटू, ये हमारा 3D के लिए है दिस वन। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज द फंक्शन ऑफ एनर्जी फॉर 1 डायमेंशन, e की पावर -1/2 पर निर्भर करती है। डेंसिटी ऑफ स्टेट 2 डायमेंशन के लिए एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती, डेंसिटी ऑफ स्टेट 3 डायमेंशन के लिए e की पावर हाफ पर निर्भर करती है। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मैं बार बार बताता रहा हूँ, ई एफ बाई 3 होता है 1D के अंदर। 2D के लिए जो होती है वैल्यू वो होती है ई एफ अपॉन 2 एवरेज एनर्जी, फर्मी एनर्जी का 2/2 कर देते हैं 2D के लिए। और 3D के लिए जो होता है एक्सप्रेशन वो होता है हमारा एवरेज एनर्जी इक्वल टू 3/5 ई एफ, ये हमारा 3D में रहता है। तो ये हम इन चीज़ों को ऑलवेज रिमेंबर रखें, तीनों एक्सप्रेशन ये और 3 एक्सप्रेशन ये हमें ऑलवेज रिमेंबर रखने हैं। साथ साथ जो हम मैंने ये एक्सप्रेशन बताया है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको याद रखें, जब भी डेंसिटी ऑफ स्टेट एनर्जी की फॉर्म में दे तब इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और इसे सॉल्व करें, अपने जो लोग्स बना रहे हैं उनमें ये फॉर्मूला जो इनकॉर्पोरेट कर लें।
तो इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको मैंने वेटेज दिया है। और पहली बार में जो ये वीडियो दे रहा हूँ उसमें पहला ही क्वेश्चन मैंने गेस्ट का स्क्रिप्ट पे सॉल्व कराया है। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आया होगा और फॉर्मूले को आप प्रॉपर यूज कर पाएंगे। EF के फॉर्मूले याद रखें, फर्मी एनर्जी के, फर्मी एनर्जी जो होती है 3D में, उसकी वैल्यू एच स्क्वायर अपॉन 2m और ब्रैकेट में आता है 3n अपॉन 8π भी, उसकी पावर 2/3 होती है, वो भी याद रखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, लगातार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो मैं रेगुलर देखता रहा हूँ वो उसे बता रहा हूँ कि देता है हमें गिब्स फंक्शन, गिब्स एनर्जी को g=h-ts, और पूछता है यहाँ पे कि ये जो प्रोसेस होगी उसके अंदर जी कब कांस्टेंट होगा। तो जी कांस्टेंट की हमें प्रोसेस देखनी है कि जी कब कांस्टेंट होगा। तो उसके लिए आप देखें एच जो होता है एंथैल्पी, उसकी वैल्यू होती है h=u+pv। एच जो है एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है और जूल थॉमसन इफेक्ट जो होता है वो आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे पुट कर दें इसको, तो जी की वैल्यू जो आएगी वो हमारी आएगी u+pv-ts। ये हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, उसके बाद इसका वेरिएशन ले लें dg=du+pdv+vdv-tds-sdt। ये रख दें, उसके बाद यहाँ पे du की जगह पे tds-pdv यूज कर लें फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो du की जगह पे जैसे ही हम tds-pdv यूज करेंगे तो tds-pdv+pdv+vdp-tds-sdt, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। उसके बाद कैंसिल आउट कर दें, जो टर्म कैंसिल आउट होने वाली है इनमें, ये इससे कैंसिल आउट होगा और दिस टर्म से इससे कैंसिल आउट होगी। तो dg जो हमारे पास आएगा वो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा vdp-sdt। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है। साथ साथ ये भी याद रखें कि यहाँ से हमारे पास ये दो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन जो हम ड्रॉ करेंगे कि वी अगर हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, गिब्स एनर्जी को डिफ्रेंशिएट कर दें वेरिएशन को विद रेस्पेक्ट टू पी, और कॉन्स्टेंट रख दें हम टी, आइसोथर्मल प्रोसेस रखें, और dp/dt अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। तो कई बार गिब्स एनर्जी पी की टर्म्स में देता है और पूछता है कि वॉल्यूम क्या होगा, जैसे क्वेश्चंस दे सकता है कि जी की वैल्यू है हमारी a(p²), कैलकुलेट करें वॉल्यूम क्या होगा। तो जैसे ही यहाँ पे v की वैल्यू को dg/dp करेंगे तो 2ap हमें आंसर ऑप्टेन हो जाएगा। t यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि t है यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और जो s है उसकी वैल्यू यहाँ एंट्रोपी की हम निकाल सकते हैं -dg/dt, और कांस्टेंट अगर हमें यहाँ रखना होगा तो इसको p को कांस्टेंट रखें, क्योंकि जब हम कांस्टेंट p कर देंगे, कांस्टेंट p का मतलब होगा आइसोबारिक प्रोसेस, तो dp जीरो हो जाएगा और s की वैल्यू -dg/dt कैलकुलेट हो जाएगी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो इस एक्सप्रेशंस को याद रखें, इस पर भी क्वेश्चंस इसी टाइप के पूछे जाते हैं। जी टी का फंक्शन डिपेंडेंसी देता है, एस कैलकुलेट करा लेता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे क्या पूछता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल के साथ साथ प्रोसेस आइसोबारिक है, तो आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर कहता है कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। तो इस आइसोथर्मल और आइसोबारिक में क्या होगा कि पी हमारा आइसोबारिक में जैसे ही हम कॉन्स्टेंट करेंगे तो डीपी की वैल्यू जीरो होगी, और डीपी जीरो होने के बाद में आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टी कॉन्स्टेंट रहेगा तो डीटी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से डीजी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इस प्रोसेस के अंदर जी हमारा कॉन्स्टेंट होगा। तो ये याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्योंकि आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस में पूछता है कि कौन सी जो प्रोसेस है वो कौन सा फिजिकल पैरामीटर कॉन्स्टेंट रहेगा, तो याद रखें। और जो हमारा फेज ट्रांजिशन होता है फर्स्ट ऑर्डर, जब हमारा आइस लिक्विड में कन्वर्ट होती है 0°C पे, या लिक्विड जो 100°C पे वेपर में कन्वर्ट होता है, वो हमारे जो पूछता है कि इन प्रोसेस के अंदर कौन सा फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट रहता है, तो उसमें गिब्स एनर्जी कांस्टेंट रहती है क्योंकि वो आइसोबारिक और आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्योंकि जब स्टेट परिवर्तन होता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशंस का, उसके अंदर वेरिएशंस नहीं होता है हमारा, ना ही प्रेशर चेंज होता है और ना ही टेम्परेचर चेंज होता है, तो इसलिए वो प्रोसेस जो है वो हमारी एग्जाम्पल्स हैं आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस का। तो लगातार क्वेश्चन आता है, इस कंसेप्ट को भी तैयार रखें, ऑलवेज काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट है। साथ साथ एस के और जो हमारे कैलकुलेशंस लिए हैं कि वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करें गिब्स एनर्जी से, इन कंसेप्टों को अच्छे से प्रिपेयर रखें, लगातार क्वेश्चन इन पोर्शनों से देखे जाते हैं।
तो यूजफुल कंसेप्ट हैं काफ़ी। साथ साथ कुछ और मैं क्वेश्चंस यहाँ बताना चाहूँगा। एक क्वेश्चन जो रेगुलर पूछा जाता रहता है कंपटीशंस की दुनिया में, वो हमारा पूछा जाता है जी लैंग्वेज जी फैक्टर का। तो लैंग्वेज इफेक्टर पूछता है पहले से स्केट में 3P1 स्केट पे लैंग्वेज इफेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। तो जी की जो वैल्यू है लैंग्वेज इफेक्टर का वो एक्सप्रेशन याद रखें, 1+JJ+1+SS+1-LL+1/2JJ+1। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलर इंटरवल पर पूछा जाता रहता है। तो लैंग्वेज इफेक्टर का एक्सप्रेशन हमें ऑलवेज रिमेंबर रखना है। जी जहाँ पे हमारा टोटल क्वांटम नंबर है और एल और एस से मिलकर बना होता है, एस जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है और एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है वो जे की वैल्यू होती है। तो क्वेश्चंस के अंदर जे की वैल्यू यहाँ पे बंदे रखी है। ये 2s+1 होता है मल्टीप्लिसिटी जिसे हम कहते हैं, तो 2s+1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो एस की जो वैल्यू होगी वो हमारी 1 हो जाएगी। यहाँ पर पी के लिए, पी स्टेट के लिए एल की जो वैल्यू है वो हमारी रहती है 1। तो पहले जी एस और एल कैलकुलेट कर लें और उसके बाद इसमें पुट कर दें, तो जी हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 1+J की जगह पे पुट करेंगे 1 तो ये 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, -LL+1 करेंगे तो ये भी 2 होगा, अपॉन 2 और JJ+1 ले लें, जे की जगह पे 1 ले लें और J+1 हमारा हो जाएगा 2। तो 2 से 2 ये हमारा सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। यहाँ से देखें 1+, यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1+2/4 और यहाँ से कैंसिल आउट कर लें इसे, ये हमारा हो जाएगा 1+2। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट होकर 3/2 कैलकुलेट हो जाएगी। तो लैंग्वेज इफेक्टर यहाँ पर जो हमारा 3/2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में लगातार क्वेश्चन आता है लैंग्वेज इफेक्टर पर, तो मैंने फिर से इसे तैयार कराया है कि आप फॉर्मूला रिमेंबर रखें, वैल्यू को देखें। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि जो हमारा ये यहाँ पर स्केल लिखी जाती है वो हमारा जे होता है। SPDF का सदा याद रखें कि SPDF जी स्टेट जो होती हैं उनका जो L है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4 होता है। साथ साथ याद रखें कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है L, उसकी वैल्यू अंडर रूट LL+1 H होती है। तो यहाँ से SPDF में अगर किसी भी स्टेट का हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कराया जाता तो यहाँ से कैलकुलेट कर लें। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ साथ स्पिन एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन याद रखें, एस की वैल्यू होती है अंडर रूट SS+1 H। स्पिन जैसे इसी क्वेश्चन में पूछेगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें, तो S=1 यहाँ पर पुट करें, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लें। जे पूछता है तो जे की वैल्यू होती है अंडर रूट JJ+1 H। जहाँ पर जे है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है वो हमारा टोटल क्वांटम नंबर को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस देखे जाते हैं रेगुलर इंटरवल पे, तो इसको भी हॉट टॉपिक्स में रखें, लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पोर्शन से लैंग्वेज इफेक्टर से। तो काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस कंसेप्ट पूछे जाते हैं कंपटीशंस की दुनिया में, मैं उन्हें लगातार डिस्कस कर रहा हूं। एक जो क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता रहा है कंपटीशंस की दुनिया में वो है वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। मैथमेटिक्स में पूछता है कि ये हमारा एक ट्रिपल इंटीग्रल है, x²+y²+z² और वैल्यू दे रखी है साथ साथ dx dy dz। ये हमारा इसके रेस्पेक्ट हमें इसको इंटीग्रेट करना है xyz के रेस्पेक्ट, और वॉल्यूम जो इंक्लोज्ड दे रखा है वॉल्यूम इंक्लोज्ड बाय द स्फीयर। मैथमेटिकल का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में सभी कंपटीशन में। तो वॉल्यूम इंक्लोज बाई स्पेयर जो दे रखा है वो दिया है x²+y²+z²=1। तो ये हमारा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम है। तो याद रखें कि x की जो वैल्यू होती है वो हमारी रहती है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में r sin θ cos φ, y होता r sin θ sin φ और z होता r cos θ। तो ये हम सबसे पहले इन कोऑर्डिनेटों को ऑलवेज रिमेंबर रखें, x की वैल्यू r sin θ cos φ, y की वैल्यू होती है हमारी r sin θ sin φ और z जो होता है वो हमारा रहता है r cos θ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है dx dy dz की जो वैल्यू लेते हैं हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में, उस एक्सप्रेशन को सदा याद रखें, ये होती है r²dr sin θ d θ और d φ। तो ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में उसमें हम लेके चलते हैं dx dy dz की वैल्यू r²dr sin θ d θ d φ। थीटा की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π लाते हैं और φ की जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो 0 से 2π, और यहाँ पे इसको
जब हम इस इक्वेशन को लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारी होगी आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू है अगर हम इसे कंपेरिजन करें तो आर की जो लिमिट हो जाएगी वो होगी हमारी जीरो से लेकर वन, क्योंकि ये हमारा जो रेडियस हो गई स्पेयर की वो वन हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आर स्क्वायर के इक्वल करके आर की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट कर लें तो रेडियस जो है वो वन होगी। तो आर जो है वो सेंटर से लेके और रेडियस तक हमें जाना होगा, तो आर की वैल्यू जीरो से वन। थीटा की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है जीरो से लेके पाई दें, फाई की जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है उसे जीरो से टू पाई दें। तो यहाँ पर पुट कर दें और सॉल्व करें इसको, तो ये ट्रिपल इंटीग्रल हमारा रहेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर ले लें, डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पर यहाँ से लें आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। जब हम डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमें जीरो से लेकर टू पाई इंटीग्रेशन लिमिट होगी, ये फाई के लिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, थीटा की लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से पाई और आर की जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है उसे जीरो से वन में। तो यहाँ से सॉल्व करें इसे, जब साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें टू देगा क्योंकि माइनस कॉस थीटा आ जाएगा और जीरो से पाई रखेंगे तो माइनस कॉस पाई प्लस कॉस जीरो देगा, माइनस कॉस पाई से वन आएगा और कॉस जीरो से वन आएगा तो वन प्लस वन टू आ जाएगा वहाँ से और डी फाइव से हमें टू पाई मिलेगा। उसके बाद आर फोर डी फोर से हमें आर फाइव बाई फाइव मिलेगा और लिमिट हम रख दें आर की जीरो से लेकर वन, तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो वन अपॉन फाइव आएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू हमें सॉल्व होकर मिलेगी वो हमें आंसर आ जाएगा 4π/5, तो ये हमारा आंसर होगा इसमें 4π/5, तो ये आंसर भी था इस अल्टरनेट का। इस तरीका से करें, जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है अगर 3D में है तो उसको कन्वर्ट कर लें पोलर फॉर्म में और फिर कंपेरिजन स्टैंडर्ड से करके और उसके बाद उसे सॉल्व कर दें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कंपटीशंस में रेगुलर इंटरवल पर पूछे जाते हैं। तो ये मैं फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था मैथमेटिकल फिजिक्स से और स्पेक्टर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर रहा था। अगर हमें टू डायमेंशंस में प्रॉब्लम आती है तो x को r cos थीटा, y को r sin थीटा लें, dx dy को r dr d थीटा ले लें। तो उस पर भी मैं आगे कंपटीशंस के प्रोस्पेक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट जो है वो सॉल्व करूँगा, तो हाँ वेट करें तब तक। एक जो क्वेश्चंस रेगुलर पूछा जाता रहता है वो हमारा क्वेश्चंस रहता है लगातार स्ट्रक्चर फैक्टर पे, तो स्ट्रक्चर फैक्टर को अच्छे से तैयार करके जाएं। मैं प्रॉब्लम नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर फैक्टर एस एच के एल जो होता है मिलर डिसीज की फॉर्म में, तो उसकी फॉर्म फैक्टर में वैल्यू होती है एफ वन प्लस एक्सपोनेंशियली माइनस आई पाई एच प्लस के प्लस एल, ये रहती है फॉर द केस ऑफ बी सी सी स्ट्रक्चर। और एफ सी सी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारा रहता है एफ वन प्लस एक्सपोनेंशियली माइनस आई पाई एच प्लस के प्लस एक्सपोनेंशियली माइनस आई पाई एच प्लस के की जगह पर फिर आगे के प्लस एल ले लें प्लस एक्सपोनेंशियली माइनस आई पाई और एच प्लस एल। यहाँ से क्वेश्चंस देखा जाता है, यहाँ जैसे पूछता है कि मिलर इंडिसेस देता है एच के एल की वैल्यू, अगर क्वेश्चंस में दे रखी है वन वन वन, बी सी सी के लिए कहेगा स्ट्रक्चर फैक्टर निकालिए क्या होगा, जीरो होगा या टू एफ होगा। याद रखें कि बी सी सी स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू दो एग्जिस्ट करती हैं, या तो जीरो या टू एफ। जब एच प्लस के प्लस एल की वैल्यू हमारी ऑड आती है ऐड करने के बाद में, तो ये देखें कि यहाँ पे जब हमारा एच प्लस के प्लस एल ऑड होगा तो ये वैल्यू हमें माइनस वन देगा और यहाँ से स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू जो हमें जीरो ऑब्टेन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये एच प्लस के प्लस एल हम देख रहे हैं वन प्लस वन करेंगे तो थ्री होगा, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस थ्री आई पाई को जब हम खोलेंगे तो हमें यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो कॉस थ्री पाई होगी और माइनस आई साइन थ्री पाई आएगा, साइन थ्री पाई जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू हमें माइनस वन देगा, यहाँ से वन देगा तो ये वन माइनस वन जीरो मिलेगा। उसके बाद अगर हमारा एच प्लस के प्लस एल की वैल्यू इवन है तो स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू हमारी टू एफ आती है। जैसे क्वेश्चन में देता है कि एच के एल की जो वैल्यू है वो क्वेश्चंस में दे देता है टू वन और वन और कहता है कि बी सी सी में बताइए कि मिलर इंडिसेस हैं टू वन वन, स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखें, टू प्लस वन जो होगा ये वैल्यू फोर होगी, यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें साइन वाली टर्म जीरो हो जाएगी, कोसाइन से हमें वन मिलेगा तो वन प्लस वन से हमें टू एफ मिल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू टू एफ होगी। इसी तरीका से एटलीस्ट जो है तीन से चार क्वेश्चन इस पर भी सॉल्व करके रखें एफ सी सी स्ट्रक्चर पर, और याद रखें कि
इसके अंदर जो मिलर इंडिसेज हैं, एच के एल की वैल्यू जब देता है तो एच प्लस के और के प्लस एल और एच प्लस एल का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, और अगर ये वैल्यू हमें जो स्ट्रक्चर फैक्टर इसका आएगा सदा वो जीरो और फोर एफ के बीच होगा, तो एस की वैल्यू जो है वो जीरो रहती है और एस की वैल्यू फोर एफ पॉसिबल है। ये हमारे दो वैल्यू पॉसिबल होती हैं एफ सी सी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है रेगुलर इंटरवल पे, इसको करें। कुछ मैंने तो प्रॉब्लम सॉल्व की हैं और एफ सी सी के लिए मैंने हिंट दिया है, आप आगे करके रखें बी सी सी स्ट्रक्चर पे और एफ सी सी स्ट्रक्चर पे। तो ये फिर प्रॉब्लम थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और पहले भी क्वेश्चन इस पोर्शन से आते रहे हैं लगातार। एक क्वेश्चन जो कंसेप्चुअली दे रखा है, पूछा है एटॉमिक से क्वेश्चन है, विच ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। तो 2f हाई बाय 2 से लेके ट्रांजिशन को चेक करना है, ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन से में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो चार प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनमें हमें चेक करना है। तो ये सिलेक्शन रूल बेस्ड क्वेश्चन है, 2f 5 बाय 2 से दिखा रखा है ट्रांजिशन 2d 5 बाय 2 में, और एक ट्रांजिशन में दिखा रखा है 2d 3 बाय 2 से लेके ट्रांजिशन दिखाया है 2p हाफ को, एक ट्रांजिशन दिखा रखा है 2d 3 बाय 2 से 2s हाफ को, और एक सिलेक्शन रूल दिखा रखा है 2p हाफ से लेके 2s हाफ को। इनमें हमें चेक करना है कि कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांजिशन में सिलेक्शन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक जो हमारा सबसे मेन रूल है वो है कि डेल एस की वैल्यू जीरो हो, मीन्स सिंगल एक्स से सिंगल एक्स में, डबल एक्स से डबल एक्स में और ट्रिपल एक्स से ट्रिपल एक्स में ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा डबल एक्स ट्रांजिशन है, टू से टू, टू से टू, टू से टू, टू से टू है। तो यहाँ पे आप इसमें डेल एस बराबर जीरो सभी में ओबे हो रहा है। उसके अलावा हमारा एक सिलेक्शन रूल है, डेल एस की जो वैल्यू है वो हमारी प्लस माइनस वन चेंज होनी चाहिए, जो लेपोटी रूल से हम बोलते हैं। तो लेपोटी रूल को देखें कि लेपोटी रूल का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। लेपोटी रूल में देखेंगे यहाँ पे जो एफ से डी में ट्रांजिशन का पालन हो रहा है, क्योंकि एस पी डी एफ के लिए मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ एल की वैल्यू जो रहती है वो इसमें जीरो, इसमें वन, इसमें टू, इसमें थ्री रहती है। तो यहाँ पर जो एल है वो एल की वैल्यू यहाँ एफ स्टेट के लिए थ्री होगी, यहाँ पर एल की जो वैल्यू है डी स्टेट के लिए वो टू होगी। तो यहाँ पर डी एल बराबर वन का ही वेरिएशन है, और यहाँ से जो वेरिएशन है उसी तरीका से हम देख सकते हैं डी और पी में भी जो वेरिएशन है डी एल का वो वन है। डी से लेके एस में भी अगर हम वेरिएशन देखें तो यहाँ पे वेरिएशन टू आ रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एल की जो वैल्यू है वो इसके लिए टू होगी और यहाँ पे एल की जो वैल्यू होगी वो हमारी जीरो होगी। तो यहाँ पे वेरिएशन अगर हम इधर से इधर जाएं तो टू का वेरिएशन हो रहा है, और लेपोटी रूल कहता है कि पैरिटी ऑफ द कॉन्फिगरेशन मस्ट बी चेंज, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। इस तरीका से इस तरीका के क्वेश्चन करें, लगातार पूछे जाते रहते हैं ट्रांजिशंस पे। मैंने एक वीडियो दे रखी है सिलेक्शन रूल एटॉमिक के, तो सारे कवर किए हैं उन्हीं सिलेक्शन रूल पे, क्वेश्चंस रेगुलर पूछे जाते रहते हैं। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, वो आपको निश्चित तौर से बेनिफिट देगी। लास्ट जो मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहूँगा, लगातार जो क्वेश्चन हैं उन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो पूछे जाते रहते हैं। याद रखें कि एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक हमारी एक्सरे ट्यूब है और एक्सरे ट्यूब के ऊपर जो वोल्ट अप्लाई किया है वो 30 किलो वोल्ट है। तो 30 किलो वोल्ट वी की वैल्यू दे रखी है कि वोल्टेज जो अप्लाई कर रखा है वो 30 किलो वोल्ट अप्लाई किया हुआ है एक्सरे ट्यूब के ऊपर। मिनिमम वेवलेंथ पूछिए, तो क्यू एन हैंड रूल यूज करें, लैम्डा मिनिमम की वैल्यू जो होती है वो हमारी रहती है एस सी अपॉन ई वी, और यहाँ पे क्या करें वी की जो वैल्यू है उसे 30 किलो वोल्ट यूज कर लें, 30 इंटू 10 की पावर 3 है यूज करें, एच की जगह पर 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34, सी की जगह पर 3 गुणा 10 की पावर 8 और ई की जगह पर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम यूज करें और इसे सॉल्व कर लें। यहाँ से क्वेश्चंस देखा जाता है रेगुलर इंटरवल पर, तो इस तरीका के क्वेश्चंस करके जाएं। एक क्वेश्चंस पूछा गया है, मैं एक दो क्वेश्चंस में और हिंट दे रहा हूँ। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ ए 2 MeV प्रोटॉन टू गोल्ड न्यूक्लियस। तो क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, काइनेटिक एनर्जी जो दे रखी है, प्रोटॉन्स इम्पोज किया गया है और उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 2 MeV। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें, पहले इसे 10 की पावर 6 लिखें मेगा की जगह पर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लें 1.6 गुणा 10 की पावर 19,
ये टारगेट कैविटी दे रखी है जो प्रोटॉन है उसकी। क्वेश्चंस में पूछा है क्लोजर डिस्टेंस ने, तो यहाँ पर क्लोजर डिस्टेंस इस तरीका से कैलकुलेट होगी कि ये हमारा गोल्ड न्यूक्लियस है और इस गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ से इधर से प्रोटोन इम्पोज किया गया है। जैसे जैसे ये प्रोटोन इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और ये क्लोजर डिस्टेंस पर जब जाएगा जब इसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से मान लें कि जो डिस्टेंस है वो हमारी आर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और जो आर डिस्टेंस के ऊपर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल कर दें इसका जो हमारा हो जाएगा 1/4π ε₀ और जेडी, ये चार्ज हो जाएगा इसका जो हमारा गोल्ड न्यूक्लियस है उसका, इनटू प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा ई अपॉन और ये डिस्टेंस हो जाएगी क्लोजेस्ट आर। तो आर क्लोजेस्ट ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो आर क्लोजेस्ट की जो वैल्यू है उसे मैं फॉर्मूले तक पहुँचा रहा हूँ, 1/4π ε₀ और जेड ई स्क्वायर अपॉन ई के, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो इसको रिमेम्बर भी रखें, अगर इसमें कई बार अल्फा पार्ट के डाल देता है तो यहाँ पे चार्ज जो है वो फिर 2e लें। याद रखें कि प्रोटॉन और जो हमारा अल्फा पार्ट के लिए अल्फा पार्टिकल का चार्ज ट्वाइस होता है प्रोटॉन से, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। ई के की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी हुई है वो यहाँ पुट करें, जेड जो है वो 79 ले लें गोल्ड के लिए, 1/4π ε₀ की वैल्यू जो 9×10⁻⁹ लें, ई की वैल्यू 1.6×10⁻¹⁹ लें और फिर यहाँ से क्लोजर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। तो इस टाइप के क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी, काफ़ी समय मैं इस वीडियो में दे चुका हूं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये कंसेप्ट हैं, ये वाला कंसेप्ट और बाकी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, कुछ आप अप्लाइड कंसेप्टों को इससे लाभान्वित होंगे। और ये सभी वीडियो मेरी तरफ से गांव के शहर के कस्बों के उन बच्चों को डेडिकेट हैं जो गाइडेंस के अभाव में रहते हैं, तो इसके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें और अपनी जो डिमांड हैं उन्हें रखते रहें, मैं आगे और वीडियो देता रहूँगा। Thank you and best wishes for all of you. Jai Hind.